फ्रेंड्स, आई एम यूजल एंड टुडे आई मीन बलरामपुर। एक्चुअली मैं तुलसीपुर जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 8 बजने को है। ये है बलरामपुर का इंडिया मार्ट, जो कि क्लॉथ शॉपिंग सेंटर है। और यहाँ पर ये रॉयल इनफील्ड जो बुलेट होती हैं, यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसी का एजेंसी है, काफ़ी बड़ा एजेंसी है। तो मैं यहाँ से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि जब आप तुलसीपुर के लिए जा रहे हो यहाँ से, तो एक्चुअली क्या है कि आपको यहाँ से थोड़ा बस का टाइम भी पता चल सके। तो मैं ये भी बताता चलूँगा आपको। तो मैं सबसे पहले ऑटो रिक्शा कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, एक्चुअली यहाँ से तुलसीपुर की दूरी 27 किलोमीटर है। लगभग 40 मिनट लग जा रहे हैं आपका ये जो ट्रेवल है, यात्रा है बलरामपुर टू तुलसीपुर। तो मैं आप बस स्टैंड जा रहा हूँ, जो यहाँ का एक बस स्टैंड है। यहाँ पे आपको दो बस स्टैंड, एक प्राइवेट बस स्टैंड जो कि मेजर चौराहा के पास पड़ता है, और ये सरकारी जो बसें मिलती हैं, इसलिए ये बस स्टैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो हाईवे मेजर चौराहा है, बस अड्डा है सरकारी। और चलिए भैया, आप चलिए। हाँ, मैं प्राइवेट बस स्टैंड जा रहा हूँ। यहाँ पे 8 बज गए हैं, लगभग 8 से 16 आपको 8 बजकर 10 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे कोई बस नहीं तुलसीपुर के लिए, तो मैं प्राइवेट बस से अगर मिल जाएगी तो जाऊँगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो एक्चुअली बलरामपुर से स्टार्ट किया था, तब ताकि आपको बताता चलूँ कि अगर ज़्यादा रात करते हैं आप यहाँ पर, तो शायद आपको बस मिलना थोड़ा मुश्किल रहे, क्योंकि 7:30 बजे तक आखिरी बस का टाइम था यहाँ पर। मैंने सोचा कुछ जानकारी आपको बलरामपुर के बारे में हो जाए, ताकि फ्रेंड्स, ये जो है टेंपल है झारखंडी महादेव मंदिर, ये और ये त्रासन पड़ता है। इसके बाद मेजर चौराहे की तरफ मैं चल रहा हूँ, और मेजर चौराहा से तुलसीपुर वाली रोड पे थोड़ी सी दूरी पर प्राइवेट बस लगती है, शायद मिल जाए। कुछ कहना भी मुश्किल है अभी, तो मैं प्राइवेट बस को भी आपको दिखाता हूँ ये कैसे मिलता है, कितने बजे तक मिलता है, कितना टाइम होता है। और बलरामपुर का कुछ इस तरह से आपको दृश्य देखने को मिल जाएगा। यातायात बोर्ड बीच में खड़ा किया गया, ताकि जो वाहन है वो उस साइड से जाएं और इस साइड से जाएं। और मेजर चौराहा पहुँचे हैं। और ये है होटल पथिक, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये काफ़ी अच्छा होटल है बलरामपुर का। और बलरामपुर का एक होटल मैंने डाला था वहाँ का, जो कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और पेट्रोल टंकी है मेजर चौराहे के पास पड़ती है। मेजर चौराहा से आप गोंडा ट्रेवल कर सकते हैं। अगर ये रोड सीधे जाए तो आप मार्केट में जाएंगे, और फिर तुलसीपुर के लिए इधर ये रोड कटी है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आप जाएंगे ये तुलसीपुर है, और इधर ये गोंडा, और ये जो सीधे जाती है ये मार्केट को जाती है। तो ये है मेजर चौराहा। और यहाँ पर कुछ फंक्शन है, आपको दिखाते हैं फंक्शन का थोड़ा सा वीडियो। आपको दिखाते हैं प्राइवेट बस स्टैंड है, बट यहाँ पे कोई बस नहीं है। तो अब कैसे पहुँचा जाए तुलसीपुर, ये मैं अगला थोड़ा बताता चलूँगा आपको। लेकिन प्राइवेट बस भी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है कि मुझको तुलसीपुर इतने टाइम पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे जाना है मुझको सुप्रसिद्ध मंदिर माँ पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर पर, क्योंकि कल नवरात्र का पहला दिन है। और मैं कल जो नवरात्र का पहला दिन है वो मैं चाह रहा था कि आपको मंदिर के दर्शन कराऊं नवरात्र के पहले दिन का, तो इसीलिए मैं वहां पे जा रहा था। लेकिन कोई भी बस नहीं है यहां पे, तो अब कैसे वहां तक का सफ़र रहेगा ये कुछ मिलने के बाद ही मैं बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स, 8:40 है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं कोई प्राइवेट साधन अगर गुजरे तो मैं तुलसीपुर तक सफ़र करूं। बट यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बलरामपुर में आएँ, तो आप 7:30 बजे के बाद आपको वाहन मिलना मुश्किल हो जाता है तुलसीपुर के लिए। और लगभग 8 बजे तक आप अगर बहराइच जाना चाहते हैं तो भी आपको गोंडा के लिए साधन मिलती रहेंगी। लेकिन आप देख सकते हैं मैं इतनी देर तक वेट कर रहा हूँ, प्राइवेट गाड़ी मिली है जो कि तुलसीपुर जा रही है। शायद मैं उससे सफ़र कर पाऊँ तुलसीपुर, अगर इनकी इच्छा होगी तो। तो आप हमेशा, मैंने सोचा कि आपको बताता चलूं कि आप जब भी बलरामपुर में आएँ
तो आप अगर ट्रेवल करें तो तुलसीपुर के लिए आपको काफ़ी मुश्किल, जैसे मैं आज खड़ा हूँ, लगभग बज रहे हैं 10:15 और मैं पहुँचा हूँ माँ पाटेश्वरी देवी के मंदिर स्थल पर। आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये है, आज है 5 अप्रैल, कल है 6 अप्रैल, कल से नवरात्र का पहला दिन है, जो कल का दिन है वो नवरात्र का पहला दिन है। तो मैं सुबह आपको इस मंदिर के दर्शन कराऊंगा, आज जब आरती शुरू होगी। तो एक्चुअली मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरह से मैंने ट्रेवल किया। हाँ, मैंने बलरामपुर से आपको वीडियो दिखाया कि कैसे वहाँ पे जो साधन है आपको यात्रा करने के लिए, एक्चुअली क्या है कि सरकारी बस और प्राइवेट बस ये आपको 8 बजे के बाद नहीं मिलती है, 7:30 बजे के बाद ही दिक्कत होने लगती है। और जो ट्रेन का समय है वो 11 बजे के बाद था, इसलिए मैंने ट्रेन का सफ़र नहीं किया। मैं बहुत कम ही ट्रेन का सफ़र करता हूँ। आपको एक बार फिर से दर्शन कराते हैं, उसके बाद मिलते हैं सुबह। ये मंदिर है माँ पाटेश्वरी देवी का, काफ़ी अच्छे से इसकी सजावट की गई है। आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है, और इसकी का जो इतिहास है वो भी मैं सुबह बताऊंगा, और जो भी मंदिर से कुछ रिलेटेड जानकारी है सारी जानकारी मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।